30,000 50,000 जोड़े में दो तोले सोना, महीना महीना राशन अदरक लहसुन चड्डी बनियान बच्चों को सब लेके जाते थे, इनो लेके जाते थे हमारी ननद मेहनत करके, अदरक लहसुन तक पीस के देके पांच थे गए तो सास लड़के भी जाते थे उनको, सास लड़ते थे उनके परसों गई वहां से सास को। अब हम पूछे तो क्या बोल रहे, हमारे को नहीं मालूम बोल रहे सास, बोले नहीं ले जाना रुकाओ बच्ची को वहाँ पे। तो क्यों रुकाते, बोल के उनके मियाँ छः फ़ोन करे अलग अलग कॉल से, ऐसा कैसा कर सकते हैं हमारी बच्ची के साथ। और बोल रहे कान के बालियाँ ले लो, गले का लच्छा निकाल लो, हम कहीं को निकालना। बच्ची को हुआ क्या, बच्ची को फांसी दिए होंगे, दे दिया लोगों फांसी दे दिए, वो बच्ची नहीं मर सकती, हिम्मत की है बच्ची, बहुत हिम्मत वाली बच्ची है वो। आप कौन है, मामी है बच्ची की। शोहर नहीं मालूम बोल रहे, सर शोहर का नासिर है, हमारे 7:30-8 बजे कॉल आया बच्ची का इंतकाल हो गया बोल के। हम पूछे कैसा हुआ, बोलते क्या है कि नहीं मालूम 4:30 बजे हम सब बैठ के खा लिए बोल के बोले, उन्होंने नहीं हुआ हमें कुछ भी नहीं मालूम बोल रहे। सास को पूछे तो हमारे को नहीं मालूम बोल रहे, सास कोई भी नहीं मालूम बोल रहे। फिर वैसी हॉस्पिटल में थे उन्होंने, वहाँ से यहाँ उस्मानिया को ले लेके आए। हमारी बच्ची वैसी नहीं थी, खुशखुशी करे जैसी नहीं थी बच्ची हमारी, बहुत अच्छी बच्ची थी। वो लोग आज क्या कर दिए कि कहने की हमारी बच्ची का इंसाफ होना है, बच्ची क्या हो रहा है, भांजी होना है हमारी, हमारे ननन की बेटी होना है। हुआ क्या बच्ची के साथ, वो लोग आज फांसी दे दिए, लोग ननन उन लोग घर वाले दे दिए, भाई कौन देते, हम लोग तो कोई जाते नहीं आते नहीं, वो लोग आज क्या करे की क्या मालूम है, फांसी देने की कुछ मालूम है। अब क्या है, ऐसी मियाँ बीवी लड़ते थे, सास लड़ते थे, हर चीज हमारी ननन ले जाके देते थे उनको, राशन अदरक लहसुन हर चीज़ करने से पैसे भी देते थे उन्होंने दिए, तो भी फिर रोज़ ऐसी लड़ाई करते थे, कहते पैसे लाओ सोना लाओ वो लाओ बोल के। अब गरीब इंसान क्या मालूम क्या करते कि क्या है कि, अब उन्होंने गरीब इंसान कहाँ से ला के देंगे बोलो, ला के दे बोलते, डर के मारे लेके जाके भी दे रहे थे उन्होंने, नहीं है उनका इंतकाल हुआ, फांसी डाल के मार डाल दिए, अब उसका मेरे को इंसाफ चाहिए। फांसी डाल के कहाँ मारे, ये बाबा नगर घर के पास संतोष नगर अवेसी हॉस्पिटल रियासत नगर एरिया आता, पुलिस कंप्लेंट कर गया, हाँ पुलिस कंप्लेंट हो गया। फांसी देने की वजह क्या है, अब फांसी देने की वजह बोले तो अब 5 साल शादी हो गया, 5 साल में 2 बच्चे हैं उनको, अब पैसे लाओ बोल के टॉर्चरा करते थे। अम्मी हमारे मेरे को नहीं मालूम है सर, अम्मी लेके जाके 5,000-10,000 ऐसा देते थे, खाने को पीने को नहीं है बोले तो अम्मी ले जाके देते थे। अब उसके बाद में अब आज 4 बजे क्या हुआ नहीं मालूम मेरे, अब फ़ोन आया तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल को आ गया। मैं कब से चल रहा था ये शादी हो जब से कंटिन्यू चल रहा था ये, तो अब बीच पुलिस कंप्लेंट नहीं करे कोई भी, अब जोरू मरत के बीच में अब चलता ना बोल के हम भी खामोश हो गए। कभी 2 दिन अच्छा रहते, 3 दिन सही रहते, घर में आधा घंटा घर में नहीं रहते, 1 घंटा घर में नहीं रहते। क्या काम करते हैं, सेंटरिंग का काम करते हैं। क्या नाम है, नासिर खान है इनका नाम। पीते करते क्या, पीते करते तो मैं उतना नहीं मालूम, खाली गुट्टा वो ये खाते हैं। रियासत नगर में रहते, हम लोग सन सिटी में रहते, बनलागोड़ा जागीर राजेंद्र नगर मंडल, ये रियासत नगर में हुआ। किसके घर में, इनके बहन के घर में हुआ। क्या स्टील भेज वहाँ पे जी, मतलब ससुराल में हुआ, ससुराल में हुआ। मालूम कैसा हुआ, मालूम हमारे क्या बोलते नाम नहीं आ रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा हूँ का। कितने बच्चे थे आपकी बहन को, मेरे बहन को 2 बच्चे थे, एक 3 साल की एक बच्ची है, 1.5 साल का एक बच्चा है। आप लोगों का कहना है कि मारे बोल के, जी आओ उन्होंने मार दिए, हमें को इंसाफ चाहिए। अब वो नहीं मालूम है सामने को वजह क्या है, नहीं मालूम, छोटे मोटे लड़ाई होते थे लोगों के बीच में। अब यार 4 बजे कुछ बात हुई बोल रहे, हमारे आंटी को बात कर रहे गए थे वीडियो कॉल में, 2 बजे बात करे, 4 बजे भी एक बात करे, खाना खाते कि फांसी या फांसी डाले नहीं मालूम या क्या हुआ नहीं मालूम मेरे, हमारे बहन का क्या है, मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं तो कहाँ लेके गए थे, हॉस्पिटल अवेसी हॉस्पिटल को ले लेके गए थे, वहाँ से ले लेके जाके फिर उसने वहाँ पर डॉक्टर बोले उस्माना ले लेके जाओ बोल, तो फिर यहाँ पर ले लेके हम लोग, पुलिस आई साथ में।